हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स इंग्लिश मीडियम में। हमारा चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिए, इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है वो कम्प्लीटली फार्मूला पर बेस्ड है। आपको क्वेश्चन को समझना है, उसमें गिवन आपको फाइंड देखना है और फाइंड करना है, उसको एक फार्मूला में पुटअप करना है। दैट मीन्स इसका न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, लेकिन कैलकुलेशन पर बेस्ड है। कैलकुलेशन आपको करना है, तो वन बाई वन अपन इसका न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सबसे पहले बोर्ड में मेरा क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, जैसा कि आप न्यूमेरिकल्स में आपका हैबिट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, 4.1। बोर्ड में यहाँ पर क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ से आप रीड कर लीजिए और मैं भी आपको एक बार बताता हूँ, देखिए, और कैलकुलेशन करते जाते हैं। फिर फर्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरी ए करेंट 0.4 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। देखिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल में हम करेंट फ्लो करा रहे हैं। यहाँ गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है रेडियस, नंबर ऑफ टर्न्स, जितना नंबर ऑफ टर्न्स इसमें जितने बार वायर को लपेटा गया है, दैट इज 100, नंबर ऑफ टर्न्स इज 100, रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 8 × 10⁻²⁰ मीटर। एंड नेक्स्ट डेटा इज अमाउंट ऑफ करेंट 0.40 एम्पियर। क्लियर? ये अब हमको फाइंड करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टार्टिंग के तो 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड है, आपको वैल्यू पुट अप करना है, अब ओनली सॉल्व करना है। तो इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो सेंटर में हमको फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला होता है B=μ0/4π2π NI/R। मेन है आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए, यदि फार्मूला याद नहीं है तो एक भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। सबसे पहला काम है चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको न्यूमेरिकल्स के लिए फार्मूले लर्न करना है। दैट इक्वल द वैल्यू ऑफ μ0/4π इज 10⁻⁷ × 2 एंड द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14, नंबर ऑफ टर्न्स इज 100 एंड अमाउंट ऑफ करेंट इज 0.4 रेडियस इज 8 × 10⁻²। अब इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए। सबसे पहले आप 10 के पावर को सॉल्व किया करो, इसके बाद जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट कर लोगे आप, 2 × 4 = 25, इसके बाद आप सबको मल्टीप्लाई कर लोगे। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, आप सॉल्व कर लेंगे, 3.1 × 10⁻⁴ टेस्ला। ये मैं NCERT के बुक से डायरेक्ट आपको आंसर लिखते जा रहा हूँ, बाकी सिंप्लीफिकेशन करना आपका काम है। मैं ओनली मेथड और फार्मूले पर वैल्यू पुटअप कर दे रहा हूँ, बहुत आसान है, इतना आप कर सकते हैं और करना पड़ेगा आपको इसको, क्योंकि आप यदि मेरे जैसे कैलकुलेटर से करोगे तो दिक्कत होगा, आपको मैनुअली उसको करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था जो डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन पर इंटेंसिटी क्या है। क्लियर? यदि यहाँ पर पूछता डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो ध्यान रखना ये एंटी क्लॉकवाइज है, और जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो इंटेंसिटी आउटसाइड होता है, आउटसाइड ऑफ द सरफेस, माने जो प्लेन सरफेस है उससे बाहर होता है। क्योंकि अपन मैक्सवेल लॉ लगाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू लॉ लगाएं, तो एंटी क्लॉकवाइज में यदि अपन स्क्रू को टर्न करेंगे तो उसका इंटेंसिटी आउटसाइड ऑफ द सरफेस होता है, और क्लॉकवाइज हो तो इनसाइड ऑफ द सरफेस होता है, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो ये आसान क्वेश्चन था बहुत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4.2 का स्टेटमेंट आप पढ़िए। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करेंट 35 एम्पियर, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कंडक्टर के बारे में बात कर रहा है,
यहाँ पर गिवन है अमाउंट ऑफ करेंट, जो इसमें करेंट हम फ्लो कर रहे हैं, I इक्वल टू 35 एम्पियर, ये गिवन आप सबसे पहले लिखा करो। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, इस वायर से 20 सेंटीमीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ R, 20 सेंटीमीटर पर, मतलब R का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, दैट इक्वल 20 अपॉन 100, मतलब यह हो जाएगा 1/5 मीटर। क्लियर, में इंटेंसिटी कितना होगा, तो स्ट्रेट लाइन कंडक्टर अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन कंडक्टर इज B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2I/R। ओनली आपको फार्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान है, दैट इक्वल 10^-7 टू अमाउंट ऑफ करेंट इज 35 एंड डिस्टेंस इज 1/5 मीटर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, इसका सिंप्लीफाई बहुत आसान है, मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं आपको बुक से, तो इसका आंसर आएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 3.5 × 10^-5 3.5 × 10^-5 टेस्ला, ये इसका इंटेंसिटी होगा। क्लियर, और डायरेक्शन क्या होगा, देखो डायरेक्शन यदि हम इसको इस तरह से पकड़ें, राइट हैंड से यदि हम, ये राइट हैंड ग्रिप रूल है, ऐसा पकड़ें तो फिंगर्स अंदर की ओर जा रहे हैं, तो इसका हो जाएगा इनसाइड ऑफ द सरफेस, ये ध्यान रखना। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है, इसका डायरेक्शन भी पूछता है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कितना हो जाएगा इनसाइड ऑफ द सरफेस, सरफेस के अंदर की तरफ होगा। क्लियर, ये है 4.2। तो आसान है क्वेश्चन, इसमें जो स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन हैं, ओनली इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन कंडक्टर आर सर्कुलर कॉइल, दैट मीन्स आर सोलेनाइड, दैट मीन्स इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरिंग ए करंट 50 एम्पियर इन नॉर्थ रूट टू साउथ, ये नॉर्थ साउथ करके दिया हुआ है, देखिए इस तरह से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ से साउथ हम उसमें करंट फ्लो करा रहे हैं और अमाउंट ऑफ करंट दिया हुआ है 50 एम्पियर, हियर आई इज 50 एम्पियर, देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दिस वायर इज डिस्टेंस इज, कितना डिस्टेंस में पूछ रहा है, डिस्टेंस है इसका 2.5 मीटर। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है, तो वह सेम क्वेश्चन हो गया ना, अभी जो बनाया है सेम क्वेश्चन हो गया, यहाँ से 2.5 मीटर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी अपने को बताना है, तो वही फार्मूला लगेगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2I, टाइम पास क्वेश्चन इसमें कुछ नहीं है, 10^-7 2 इंटू अमाउंट ऑफ करेंट इज 50 और दिस इज 2.5, ये हो जाएगा 20, ठीक है, तो 2 × 2 = 4, ये हो जाएगा 4 × 10^-6 टेस्ला, 4 × 10^-6 टेस्ला, ये हो जाएगा इसका इंटेंसिटी। और डायरेक्शन यदि पूछे तो अब इसका डायरेक्शन नीचे हो गया, तो क्या हो जाएगा आउटसाइड ऑफ द सरफेस, प्लेन सरफेस। तो वही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है, सिचुएशन को समझना है, फार्मूला तो यही लगेगा। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए सब एक एक लाइन के क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं है, इसमें कुछ क्वेश्चन ही हैं जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, बाकी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4.4, ए हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरिंग, ये भी सेम क्वेश्चन है, 90 एम्पियर 1.5 मीटर, सेम क्वेश्चन, ओवरहेड मतलब सिर के ऊपर इस तरह से ये कोई करंट फ्लो हो रहा है और इसके नीचे हम खड़े हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ करंट दिया है, इसमें जो ओवरहेड करंट है मतलब सिर के ऊपर से जो वायरिंग किया हुआ है उस पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 90 एम्पियर
90 एम्पियर एंड डिस्टेंस इज 1.5 मीटर, देन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा, देखो यहाँ पर भी डायरेक्ट अपन वैल्यू वही पुट करेंगे, B इक्वल टू म्यू नॉट, ये तो सब सेम टाइप क्वेश्चन है ना, 2i अपॉन r, दैट इक्वल 10 टू द पावर माइनस 7, 2 इंटू 90 अपॉन 1.5, ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लेना, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला, क्लियर, ये हो जाएगा इंटेंसिटी। और इसका डायरेक्शन यदि हम जानना चाहें तो परपेंडिकुलर आउटसाइड इधर है, इस प्रकार से अपन केबल को पकड़ेंगे राइट हैंड थंब रूल से, तो आउटसाइड ऑफ द प्लेन हो जाएगा, प्लेन के आउटसाइड हो जाएगा। आपको कहीं भी इंटेंसिटी का डायरेक्शन जानना है तो आपको मैक्सवेल का सेकंड रूल लगाना है, दैट मीन्स राइट हैंड ग्रिप रूल, इस तरह से आप उसको केबल को ऐसा पकड़े, थंब डायरेक्शन बताएगा तो फिंगर्स के टर्न होने का डायरेक्शन वो इंटेंसिटी आप मैग्नेटिक फील्ड बताता है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4.5, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए वायर कैरिंग ए करेंट ऑफ 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहाँ पर फोर्स पूछ रहा है और सिचुएशन इस तरह से है, ये सपोज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक इस तरह से वायर लगा के रखा है और यहाँ पर जो एंगल वो क्रिएट करता है वो 30 डिग्री है, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इसमें दिया हुआ है 0.15 टेस्ला ये दिया हुआ है और गिवन है अमाउंट ऑफ करंट 8 एम्पियर, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 8 एम्पियर। ये सिचुएशन को देखिए, ये हमने पढ़ा है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन एनी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला अपने पास होता है फोर्स इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। देखिए फार्मूला प्रॉपर आपको लर्न होना चाहिए, बाकी इसके न्यूमेरिकल्स में कुछ भी नहीं है। तो आई एल बी साइन थीटा होता है वेयर आई इज एट लेंथ, अच्छा लेंथ भी दिया है वायर का, क्या इसमें लेंथ इज 1 मीटर, यहाँ पर दिया है लेंथ इज 1 मीटर, तो लेंथ का वैल्यू पर पुट कर दिए 1, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.15 और इंटू साइन 30 डिग्री, यहाँ पर एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, दैट इक्वल 8 इंटू 1 इंटू 0.15 इंटू 1/2, 2 4 जा और ये मल्टीप्लाई करें 0.6, ठीक है 0.6 न्यूटन, फोर्स पूछ रहा है। तो ये तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये गिवन आपको पता होना चाहिए और ये सब वैल्यू किस फार्मूला में पुट अप होंगे, इस फार्मूला में, तो फार्मूला बस याद होना चाहिए, कुछ नहीं, ये भी आसान क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। तो जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है बेसिक कॉन्सेप्ट पर है, डायरेक्ट फार्मूला पर है, वैसे भी जो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के जो न्यूमेरिकल्स हैं आसान है, सब फार्मूला पर बेस्ड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए ए 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग ए करेंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इन साइड ए सोलेनाइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, ओके द मैग्नीट्यूड फील्ड इन साइड द सोलेनाइड इज गिवन बाई दिस, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स। देखो यहाँ पर एक सोलेनाइड है और ये सोलेनाइड क्या है, उसके अंदर में एक करेंट कंडक्टर वायर है जो उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर है। सपोज ये सोलेनाइड है, ये इसका एक्सिस है और जो हम वायर यहाँ पर शो कर रहे हैं ये वायर क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, इस तरह से।
और इसमें गिवन क्वांटिटीज क्या क्या हैं? गिवन क्वांटिटीज है, लेंथ इज 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दैट मीन्स 3 × 10⁻²⁰ मीटर, ये गिवन है। क्वेश्चन में और देखिए क्या गिवन है, एंड सेंटीमीटर लेंथ इज, करेंट इज 10 एम्पियर, 10 एम्पियर का इसमें हम करेंट फ्लो करा रहे हैं, ये है। नेक्स्ट डेटा इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.2 टेस्ला, 0.2 टेस्ला ये गिवन है। ये तो यहां पर अपने को फोर्स पूछ रहा है, तो फार्मूला सेम रहेगा, करेंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा ILB sin थीटा। यहां पर ये इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। दैट इक्वल, आई का वैल्यू पुट अप करो, ये हो गया 10 × लेंथ इज 3 × 10⁻²। टोटल न्यूमेरिकल ओनली कैलकुलेशन है, 0.2 × sin 90, sin 91 होता है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा 8.1 × 10⁻², 8.1 × 10⁻²। न्यूटन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, बहुत ईजी सिंप्लीफिकेशन है, ये सिंप्लीफिकेशन आपको करना है। मैं NCERT से उसका आंसर बताते जा रहा हूँ, उतना आंसर आएगा उसका। एक बार जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे वीडियो देख के, तो उसको आप अपने से रफ कॉपी में सॉल्व करिए और नोट्स बनाइए। ऐसा आप केवल वीडियो देखते रहेंगे तो न्यूमेरिकल्स आपका क्लियर नहीं होगा, आप उसको रफ कॉपी में सॉल्व करिए, ठीक है, और नोट्स भी बनाइए खुद से। नाउ 4.7 नंबर क्वेश्चन। टू लॉन्ग इन पैरेलल स्ट्रेट वायर ए एंड बी कैरिंग कंडक्टर ऑफ 8 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर कैसा क्वेश्चन है, टू पैरेलल लाइन कंडक्टर्स हैं, ये आपने पढ़ा है, फर्स्ट कंडक्टर सेकंड कंडक्टर। इसमें करंट सपोज I1 सप्लाई हो रहा है, इसमें करंट I2 सप्लाई हो रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या क्या गिवन है देखिए, इसमें दिया है फर्स्ट में 8 एम्पियर, 5 एम्पियर ये है 8 एम्पियर का करंट, सेकंड में 5 एम्पियर करंट है, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दैट मीन्स 4 × 10⁻²। ये बीच का डिस्टेंस है, तो इनके बीच में लगने वाले फोर्स के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है एफ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2 I1 × I2 / R, ये होता है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करेंट कैरिंग कंडक्टर। दैट इक्वल वैल्यू पुट करें 10⁻²× 2 × 8 × 5 और अपॉन डिस्टेंस इज 4 × 10⁻²। इसको सॉल्व कर लेंगे, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4 × 2 कर लेंगे, ठीक है, और 5 × 2 = 10, तो 2 × 10 होगा तो इसका पावर -6 हो जाएगा, -6 में +2 होगा तो -4, तो 2 × 10⁻²⁴ न्यूटन, ये इसका आंसर होगा। अच्छा आगे क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, इसमें वायर का लेंथ यदि 10 सेंटीमीटर हो तो फोर्स कितना होगा। सपोज लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर मीन्स 10 × 10⁻²⁰ मीटर, तब फोर्स कितना। ये तो यूनिट लेंथ के लिए है, ये जो हमने निकाला फोर्स वो यूनिट लेंथ के लिए है, तो उस कंडीशन में फोर्स हो जाएगा एफ डैश इक्वल टू एफ इंटू एल, दैट इक्वल 2 × 10⁻², इंटू लेंथ इज 10 × 10⁻²। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो कितना हो जाएगा, ये -1 हुआ, -1 इसके साथ में सॉल्व होगा तो, और इसके साथ में हो जाएगा -5, तो 2 × 10⁻²⁵ न्यूटन, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, यूनिट लेंथ के लिए इतना न्यूटन फोर्स लगेगा और 10 सेंटीमीटर लेंथ के लिए इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा, और दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है, आपको बस ये फार्मूला, आप एक बात गौर कर रहे होंगे कि फार्मूला आपको प्रॉपर याद होना चाहिए हर क्वेश्चन के लिए, सीधा सा वैल्यू पुट अप करना है, क्लियर।
कॉम्पिटिटिव पैटर्न के जब अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे आईआईटी जेई के नीट के लिए, तो वहाँ पर हम तुम कॉन्सेप्ट टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। सबसे पहले फेस में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। 4.7 के बाद 4.8 ए क्लोजली वुंडेड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न ईच, द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड 1.8 सेंटीमीटर ऑफ द करेंट कैरिंग इट, एस्टीमेट इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलेनॉइड। देखो सोलेनॉइड पर बेस्ट क्वेश्चन है और इसमें अपने को गिवन क्या क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज 80 सेंटीमीटर गिवन, 80 सेंटीमीटर दैट मीन्स 0.8 100 डिवाइड करेंगे तो मीटर, यह हो जाएगा लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। नेक्स्ट पॉइंट इज लेयर, इसके जो लेयर हैं वो 5 है, 5 लेयर लगे हुए हैं। नंबर ऑफ टर्न्स एन इक्वल टू 200, एक लेयर में 400 लेयर्स इसमें है, 400 टाइम्स इसको क्या किया गया है, वायर को बाइंडिंग किया गया है। ये है डायमीटर इज 1.8 सेंटीमीटर, 2R इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर दैट मीन्स रेडियस इक्वल टू 0.9 और इंटू 10^-2 मीटर, इतना उसका रेडियस होगा। करेंट इज 8 एम्पियर, I इज 8 एम्पियर। तो सबसे पहला काम होता है आप क्वेश्चन को पढ़ो और लिखो गिवन कि आपके क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू गिवन है, क्या क्या वैल्यू इसमें दिया हुआ है। तो इतने वैल्यूज आपको गिवन है और हमको इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, क्लियर। तो इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई होता है, ये सोलेनॉइड का इंटेंसिटी का फार्मूला है। अब यहाँ पर एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ है और हम अभी पर यूनिट लेंथ में टर्न्स नहीं निकाले हैं। तो सबसे पहले निकाल लेंगे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, 5 लेयर है 400 है, तो 400 इंटू नंबर ऑफ लेयर इज 5 दैट मीन्स ये हो गया 2000, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स निकालें तो हो जाएगा 2000 अपॉन लेंथ, लेंथ ऑफ द ये वायर मतलब 0.8, 200 में 0.8 को अपन डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर से कर दूं मैं, 2500, ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स दैट मीन्स स्मॉल एन का वैल्यू हो गया इन यूनिट लेंथ जिसको हमको यहाँ पर पुट अप करना है। तो नाउ इंटेंसिटी, अब इसका इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो देयरफॉर इंटेंसिटी बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई। अब यहाँ पर हमको म्यू नॉट का वैल्यू पुट अप करना है, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, तो म्यू नॉट का वैल्यू हमको नहीं पता तो उसको म्यू नॉट अपॉन 4π बना लेंगे। तो क्या कर लेंगे, म्यू नॉट में 4π डिवाइड किया तो 4π मल्टीप्लाई भी किया एडजस्टमेंट के लिए और इंटू एन इंटू आई। ऐसा क्यों किया, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4π को हम लिख सकते हैं 10^-7, तो ये हो जाएगा 10^-7 इंटू 4 इंटू पाई इज 3.14 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स हमने निकाल लिया कितना 2500 एंड अमाउंट ऑफ करेंट इज 8 एम्पियर। अब इसको सॉल्व करना आप लोग का काम है, इसको आप सॉल्व करोगे और आंसर इसका आएगा 2.5 × 10^-2 टेस्ला, 2.5 × 10^-2 टेस्ला, ये इसका इंटेंसिटी होगा, क्लियर। ये कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना हर जगह, वो कैलकुलेशन आप लोग चेक करना, ये आप लोग के लिए सबके लिए होमवर्क है, ये आपको करना ही है। इसके बाद ये वैल्यू आएगा, नहीं आने से मुझे कमेंट्स करना कि सर आंसर नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी के आंसर को आपको बता रहा हूँ, यदि वैल्यू आपने प्रॉपर पुट करके सॉल्व किया है तो ये आंसर आएगा ही, ठीक है। कभी लिखते समय हड़बड़ी में भाई जब मैं 4 को 2 लिख डाला ऐसा कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप देख लेना उसको, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हो जाता है। तो 4.8 ये क्वेश्चन हो गया, ये बहुत आसान है 4.8 नंबर क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आसान है इसके, कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुटअप करना है, सॉल्व करना है आपको।
मैं आपको प्रोसेस, इसका मेथड, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहा हूँ। बाकी कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन आपको खुद से करना चाहिए, तभी प्रैक्टिस होगी। 4.9, यदि आप सिंप्लीफिकेशन को मेरा किया हुआ मैं कैलकुलेटर से करके दे दूँ, उसको आप रट तो सकते नहीं, याद तो आप उसको करोगे नहीं। आपको न्यूमेरिकल्स में लर्न करना है कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट पर बना है, कौन सा फार्मूला इसमें यूज हुआ है, और सिंप्लीफिकेशन आपको खुद से करना है। 4.9, ए स्क्वायर ग्राफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट 20 टर्न्स एंड कैरिंग ए करेंट ऑफ 12 एम्पियर, द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन द प्लेन, एंगल इज 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ओ देखो, यहाँ पर एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सिचुएशन ध्यान समझना। एक स्क्वायर शेप का क्वाइल है, ये हमने इसको सस्पेंडेड करके रखा है, लटका के रखा है इस तरह से, और ये क्या है, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये ऑलरेडी किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है बी, और इसमें हम करंट सप्लाई कर रहे हैं, इस क्वाइल में हम करंट सप्लाई कर रहे हैं, और इसमें जो डायरेक्शन है इसका, फोर्स का जो डायरेक्शन है वो थीटा एंगल बनाया हुआ है सपोज। तो यहाँ पर गिवन है नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो क्वाइल बनाया गया है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं 20 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, करंट फ्लो रहा है 12 एम्पियर, अमाउंट ऑफ करंट इज 12 एम्पियर, ये गिवन है। बोलता है कि 30 डिग्री का एंगल बना के रखा हुआ है, ये 30 डिग्री है, दैट मीन्स थीटा इज 30 डिग्री। और आगे क्वेश्चन में बोलता है इट मैग्नेटिक फील्ड इज 0.8, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है 0.8 टेस्ला। तो यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है टार्क, टार्क का कैलकुलेट करना है। तो आपको याद होगा कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर या लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें जो टार्क होता है वो होता है NIAB sin थीटा। ये फार्मूला ही सब कुछ है, फार्मूला ही सब कुछ है, बार बार मैं हर क्वेश्चन को आपको याद दिला रहा हूँ। यदि ये आपको याद है और गिवन आपने लिख लिया तो न्यूमेरिकल में कुछ भी रखा हुआ है। तो टार्क का कैलकुलेट करेंगे तो टाई इक्वल टू एन, यहाँ नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा 20 इंटू अमाउंट ऑफ करेंट इज 12, सबका वैल्यू दिया है। ए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिया है, है ना, लेंथ दिया है, लेंथ लिखना भूल गया मैं, लेंथ कितना दिया है इसका 10 सेंटीमीटर ईच साइड, 10 सेंटीमीटर दैट मीन्स 0.01 मीटर। तो एरिया निकालेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ। तो एरिया का मतलब हो जाएगा 0. स्क्वायर है इसलिए 0.01 का होल स्क्वायर इंटू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.8 टेस्ला एंड साइन एंगल इज 30 डिग्री ना, एंगल इज 30 डिग्री, दैट इक्वल 20 इंटू 12 इंटू 0.01 का होल स्क्वायर इंटू 0.8 इंटू साइन 30 इज 1/2। इसको आप लोग सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करना इसका आसान है, पहले 2 टेंजा कैंसिल करा लेना, इसका स्क्वायर कर लेना, सबको मल्टीप्लाई कर देना, और इसके करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 4.9 का 0.96 न्यूटन मीटर, 0.96 न्यूटन मीटर, ये आप सिंप्लीफाई करोगे इतना आंसर मिलेगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो सब आप बेसिकली हर क्वेश्चन में एक बात देख रहे होंगे कि आपको गिवन लिखना है, उसके बाद रिलेटेड फार्मूला में आपको वैल्यू को पुटअप करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, ये 10 का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, ये थोड़ा ध्यान से समझना, और लेंथी कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ बोलता है टू मूविंग क्वाइल मीटर M1 एंड M2, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर है M1 और M2, M2 मीटर का जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो है रेजिस्टेंस R1 इज 10 ओम, नाउ नंबर ऑफ टर्न्स N1 इज 30,
एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए वन इक्वल 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। बी वन 0.25 टेस्ला, बी वन इक्वल टू 0.25 टेस्ला। एंड एम टू सेकेंड नंबर मीटर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आर टू इक्वल 14 ओम। बकवास क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, ओनली कैलकुलेशन है। एक न्यू फार्मूला आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में मैं, बस ये ए टू 1.8, एन टू नहीं लिख पाया ना, एन टू 42 ए टू इक्वल 1.8 इंटू 10 माइनस 3 1.8 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। एंड ये आर वन है ना रेजिस्टेंस, नहीं सॉरी बी वन रेजिस्टेंस लिख चुका। बी टू सेकेंड का इंटेंसिटी है 0.5 टेस्ला। अब हमको इसमें कैलकुलेट करना है करेंट सेंसिटिविटी। फर्स्ट कैलकुलेशन इज करेंट सेंसिटिविटी, करेंट सेंसिटिविटी ये हमको कैलकुलेट करना है। तो करेंट सेंसिटिविटी आई इक्वल करेंट सेंसिटिविटी आई, इसके लिए फार्मूला होता है एन बी ए अपॉन के, एन बी ए अपॉन के। अच्छा क्वेश्चन में और दिया है कि दोनों का जो कांस्टेंट है, दैट मीन्स के वन इक्वल टू क्या है के टू है, दोनों का कांस्टेंट सेम है। तो एन बी ए अपॉन के, एन बी ए अपॉन के इसका फार्मूला होता है करेंट सेंसिटिविटी के लिए, ठीक है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए आर होता है। पहले अपन करेंट सेंसिटिविटी निकाल लें, तो देयर फॉर इससे यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो आई एस टू इनका रेशियो पूछा है अपॉन आई एस वन, मतलब सेकंड नंबर का मीटर और फर्स्ट नंबर के मीटर के करेंट सेंसिटिविटी में की आर रेशियो है। तो जब इसके लिए फार्मूला को लिखेंगे तो हो जाएगा एन टू बी टू ए टू और के, तो ऊपर जाके के वन हो जाएगा और डिनोमिनेटर में होगा एन वन बी वन ए वन इंटू के टू। अब इसको हम सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू पुट अप कर देते हैं। देखिए वैल्यू पुट अप करेंगे के वन के टू के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में इक्वल है। एन टू तो एन टू का वैल्यू यहाँ से पुट करो 42 इंटू बी टू 0.5 इंटू ए टू, ए टू का वैल्यू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन एन वन, एन वन का वैल्यू क्या है अपने पास ये 30 इंटू बी वन 0.25 और इंटू ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो बहुत से क्वांटिटी ऐसी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये टूजा ये और ये टूजा, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये टू टू कैंसिल आउट हो गया, ये 42 अपॉन 30 क्लियर। तो इसको भी अपन करें 5 किसे 6 6 7 जा और 6 5 जा 7 अपॉन 5 7 डिवाइडेड बाई 5 भी किया जाए तो 7 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा 1.4 ये 1.4 ये इसका रेशियो होगा, रेशियो होने से कोई यूनिट नहीं होगा इसका, ये होगा करेंट सेंसिटिविटी। अब हमको निकालना है वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फार्मूला वी इक्वल होता है एन बी ए अपॉन के इंटू आर, ये फार्मूला आप ध्यान रखना, सेंसिटिविटी का फार्मूला दोनों ध्यान रखना, करंट सेंसिटिविटी है ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है। यदि हम इसको लिखें वी एस टू अपॉन वी एस वन के लिए तो फार्मूला हो जाएगा एन टू बी टू ए टू और इंटू के वन और आर वन, ये न्यूमरेटर में है, ये हो जाएगा एन वन बी वन ए वन के टू आर टू दैट इक्वल। अब वैल्यू यहाँ पर पुट अप करें तो जैसे अभी मैंने बताया था कि के वन के टू के साथ में कैंसल आउट हो जाएगा क्लियर, और बाकी वैल्यू अपन पुट अप करते हैं तो एन टू यहीं से मैं कॉपी करता हूँ इसको, ये हो जाएगा 42 इंटू 0.5
इंटू ए टू इज 1.8 इंटू 10^-3। यहाँ नया वैल्यू आर वन अपने को मिलेगा और क्वेश्चन में आर वन है क्या 10 ओम, तो 10 अपॉन एन वन 30 इंटू 0.25 इंटू 3.6 इंटू 10^-3 एंड द वैल्यू ऑफ आर टू इज 14। ये अब इसको हम यहाँ से सॉल्व करें जैसे अभी किए थे, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये टू जा, ये टू जा, टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा और 10 ये हो जाएगा 420 अपॉन 4, ये भी 420 दैट इक्वल 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बस इसमें दो फार्मूला आपको ध्यान रखना है, एक करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला ये होता है जिसको हम रेशियो के फॉर्म में ऐसा कन्वर्ट कर लिए, और वोल्टेज सेंसिटिविटी का फार्मूला ये होता है इसको हम रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करके वैल्यू जो दोनों मीटर के लिए वैल्यू दिया हुआ है मीटर फर्स्ट मीटर सेकंड के लिए उसका वैल्यू को पुट अप कर दिए। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, क्लियर। ये दोनों फार्मूला आप लर्न कर लेना, ये चैप्टर के अंदर नहीं था, तो ये दोनों फार्मूला आप इसको याद कर लोगे, क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे साथ आप प्रैक्टिस करके फेयर में नोट्स जरूर बना लीजिए या स्क्रीनशॉट लेते जाइए और रफ कॉपी में इसकी प्रैक्टिस करिए, वीडियो को अगेन एंड अगेन प्ले करके उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज 4.11। इन ए चैम्बर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 6.5 गॉस इज मेंटेन, एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इन टू द फील्ड विथ स्पीड ऑफ दिस नॉर्मल टू द फील्ड, ठीक। एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर। ये साइक्लोट्रॉन पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो कि सपोज हमारे पास एक चैम्बर है इस तरह से, साइक्लोट्रॉन आपने पढ़ा है याद है, ये है और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड को मैंने ये रेड इंक से रिप्रेजेंट किया और यहाँ पर हम इसके परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रॉन को एंटर कराते हैं इसके अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाके राउंड राउंड घूमने लगेगा क्योंकि इसको सेंट्रीपेटल फोर्स मिलेगा। जब भी किसी पार्टिकल को सेंट्रीपेटल फोर्स मिलता है ये यहाँ लॉरेंज फोर्स से मिलेगा, एग्जैक्ट आप ये साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है उसका गायरो रेडियस कि कितने रेडियस पर वो घूम रहा है। तो यहाँ हम गिवन लिख लें, गिवन क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, देखो ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 6.5, बी इक्वल टू 6.5 जी दैट इक्वल 6.5 इंटू 10^-4 टेस्ला, टेस्ला में चेंज कर लिए हम उसको। और गिवन है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको मालूम है, चार्ज आठ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10^-19 कूलम, ये होता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10^-31 केजी, इसका ज़रूरत पड़ेगा। और थीटा परपेंडिकुलर एंट्री कर रहा है तो थीटा 90 डिग्री होगा। अब हमने पढ़ा है साइक्लोट्रॉन में कि सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये क्यू वी बी साइन थीटा इक्वल होता है, ये लॉरेंज फोर्स होता है। इस फार्मूला को यदि हम आर के लिए सॉल्व कर लें तो देयर फोर आर इक्वल, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है तो साइन 91 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे अपन और आर के लिए सॉल्व करें, एक भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो आर इक्वल टू हो जाएगा एम वी अपॉन क्यू इंटू बी। ये फार्मूला हम आपको डिराइव करा चुके हैं चैप्टर के अंदर, इसको बोलते हैं गायरो रेडियस, क्लियर। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट अप कर दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10^-31 एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं लिख पाया कितना दिया है क्वेश्चन में, वेलोसिटी इज 4.8 इंटू 10^6 मीटर पर सेकेंड, 4.8 इंटू 10^6 मीटर पर सेकेंड, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दिया हुआ है, तो ये पुट अप कर देंगे 4.8 इंटू 10^6 अपन चार्ज इन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10^-19 इंटू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 6.5 इंटू 10^-4।
अब ये सिंपलीफाई करना आप लोग का काम है, आसान है। 10 के पावर को पहले सॉल्व करना करना, ये सिंपलीफाई करना आप सीखो सबको। मैं यहाँ पर इसलिए आपको करने बोल रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस आपको जरूरी है। मैं तो कैलकुलेटर से कर दूंगा, लेकिन आपको इसको मैनुअल प्रैक्टिस जरूरी है। आप उसको सॉल्व करना सीखिए। मैं इसका फाइनल आंसर बस बता देता हूँ आपको, वो होगा 4.2 × 10⁻², 4.2 × 10⁻², मीटर। क्लियर, दैट मीन्स 4.2 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4.11। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4.12 है, वो इसी क्वेश्चन पर आगे है, इसलिए मैं इसके साथ में उसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। 4.12 क्वेश्चन नंबर 4.12, यहाँ पर 11 का आंसर हो गया। उसमें बोला है इसकी फ्रीक्वेंसी, गैरो फ्रीक्वेंसी, कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो फ्रीक्वेंसी का सीधा फार्मूला होता है qB/2π ν, फ्रीक्वेंसी ν बराबर qB/2π, ठीक है। ये फार्मूला 2πm, ये गायरो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ये फार्मूला आप याद करना, गायरो फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर भी गायरो रेडियस को हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते थे ये निकालने के बजाय, तो गायरो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है वो। यहाँ हम फ्रीक्वेंसी यदि कैलकुलेट करना चाहें तो ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.6 × 10⁻¹⁹ इंटू इंटेंसिटी 6.5 × 10⁻⁴ अपॉन 2 × 3.14 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³¹। ये सॉल्व करोगे तो आपको उसका फ्रीक्वेंसी मिलेगा जो कि 18.18 × 10⁻⁶ हर्ट्ज। ये इसका आंसर मिलेगा, गायरो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये भी फार्मूला साइक्लोट्रॉन पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। एक साइक्लोट्रॉन का रेडियस आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन का, और उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो दो क्वेश्चन इसको दे दिया, मतलब यहाँ पर आप 4.11 + 4.12, ये 4.11 है, वो 4.12 है, क्योंकि सेम डेटा पर आपको दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इस तरह आपने देखा होगा कि इस एक्सरसाइज का जितना क्वेश्चन है फार्मूला पर बेस्ड है, आपको फार्मूला प्रॉपर लर्न होना चाहिए, क्वेश्चन बनेंगे सिंप्लीफिकेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरिंग ए कंडक्टर 60 एम्पियर इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला। द फील्ड लाइन्स मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल। ओ ठीक है, स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन ने बोला है कि सर्कुलर कॉयल है अपने पास, और उस सर्कुलर कॉयल में जो लटका हुआ है एक मैग्नेटिक फील्ड में, फिगर इस तरह से बनेगा। ये सपोज अपने पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, और इसमें हमने फ्रीली सस्पेंडेड करके रखा हुआ है एक सर्कुलर कॉयल को, और इसमें हम आई करेंट फ्लो करा रहे हैं, और ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बी है। तो हमको पूछ रहा है यहाँ पर इस पर टार का कितना डेवलप होगा। जैसे अभी हमने एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में एक स्क्वायर शेप के लूप पर टार का कैलकुलेट किया था, यहाँ सर्कुलर पर करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स 30, हियर एन इज 30, अमाउंट ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 6 एम्पियर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो लटका हुआ है 1 टेस्ला, एंड थीटा इज 60 डिग्री, इसके साथ में वो 60 डिग्री बना के लटका हुआ है, तो थीटा इज 60 डिग्री। और क्या गिवन है, रेडियस 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.08 मीटर, ये गिवन है। और टार का कैलकुलेट करना है तो टार का हमको एक ही फार्मूला है, टाई इक्वल होता है NiAB sin थीटा, दैट इक्वल n, n का वैल्यू ये 30 इंटू करेंट 6 एम्पियर। अब यहाँ पर ये क्या है, एरिया ऑफ द क्वाइल, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर, तो 3.14, और इंटू रेडियस कितना दिया है 0.08 का स्क्वायर,
क्योंकि पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर सर्कुलर लूप का, और इनटू बी वो वन टेस्ला दिया है, और साइन थीटा यहाँ पर दिया है साइन 60 डिग्री, दैट इक्वल 30 × 6 × 3.14 × 0.08 का होल स्क्वायर इंटू वन इंटू साइन 30 इज √3/2। यहाँ पर आप ध्यान रखना कि √3 का वैल्यू पुट अप करोगे 1.732 ये होता है। इसको अब आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद सबको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना आपका काम है। इसके बाद इसमें जो आंसर आ जाएगा वो है 3.133 न्यूटन मीटर, 3.133 न्यूटन मीटर। यहाँ पर फिर मैं लास्ट में एक बात आपको बार बार याद दिला दूँ कि ये जो सिंप्लीफिकेशन करना है, इसको सर छोड़ दिए करके परेशान मत होना, ये करना ही है आपको। यदि मुझे भी करना हो तो मैं मैनुअल नहीं करूँगा, टाइम लगेगा मुझे, कैलकुलेटर लूँगा, सबको मल्टीप्लाई करके बता दिया, इसलिए मैं आंसर बता रहा हूँ। लेकिन इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करना, अदरवाइज एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे, क्लियर। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो आपने देखा इसके पूरे जो न्यूमेरिकल्स हैं फार्मूला पर बेस्ड हैं, तो फार्मूला लर्न होना चाहिए, चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और सिंप्लीफिकेशन में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन का बार बार आप प्रैक्टिस करिए और न्यूमेरिकल्स करने का हैबिट डालिए, ताकि मैं सेकेंड फेज में जब स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेके आऊँगा एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन IIT JEE नीट के लिए, तो उससे पहले आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि बेसिक फाउंडेशन का ही क्लास है। ओके, थैंक यू।